बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साफ कहा है कि बसपा एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन से दूरी बनाकर रखेगी और पूर्व की तरह पार्टी अपने बलबूते खुद को मजबूत कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल आज रविवार को बसपा प्रदेश कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मायावती ने कहा कि संबंध में फेक न्यूज का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। बसपा विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं लोगों की ज्वलंत समस्याएं जैसे विचलित करने वाली महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था आदि लोगों के दिल दिमाग पर हावी है। यह कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा यह अभी कहना मुश्किल है। इस दौरान मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि जनहित एवं जनकल्याण के मामलों में भाजपा व कांग्रेस का रवैया जन विरोधी रहा है। बहुसंख्यक एससी एसटी व ओबीसी समाज के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक शोषण व अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी, जिसको निष्क्रिय बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है, जिसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना है। बुलडोजर का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि दोष सिद्धि से पहले ही बुलडोजर चलाकर किसी व्यक्ति के पूरे परिवार को दंडित किया जा रहा है, तो किसी को सजा मिलने से पहले ही उसके शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों को बंद या घोर जन विरोधी कदम है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। सरकार की ऐसी कार्रवाई जनता की नजर में द्वेषपूर्ण व पूरी तरह से गैर जरूरी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए जनहित टाइम्स।